कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुमामीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो माशाल्लाह से हमारे किचन का आधा काम हो गया और आधा रह गया वो आज हम कर रहे हैं। आज हमने ज्यादा पेंट और पोचे वाला काम करना है, तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अभी सब जन अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अम्मी जी इधर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर भाई, खाला जी अस्सलाम वालेकुम। खाला जी बहुत ज्यादा थक गए, हमने बहुत काम करवाया खाला से। कल खाला ने खाना भी बनाया था और साथ में चूल्हा भी बनाया था। चूल्हे खाला ने कल दो बनाए थे, आज हमारा एक चूल्हा रह गया, वो अभी हमने बनाना है। और भाई भी साथ में। अस्सलाम वालेकुम। और चाचू जाना वो पेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचू ने बड़ा ही जबरदस्त पेंट किया है। मैंने कहा था अभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन चाचू तो बिल्कुल पेंटर है पूरे। हम कह रहे थे चाचू का नाम भी पेंटर चाचू रख देते हैं। बड़ा प्यारा पेंट किया चाचू ने। पहले पोचा लगाया, पोचे में थोड़ा सा चाचू ने मिक्स किया था चूना, ताकि कलर जो ना बिल्कुल सही लगे। तो वो अब कर रहे हैं जैसा भी होगा। और सामने से भी थोड़ी सेटिंग हमने की है, वो ये कि इधर जो हमारा चूल्हा है ना वो भी नया बनाया है। चूल्हा देखें, और उसके सामने ये थड़ी भी बनाई है। ये भी खाला और चाचू ने कहा था भी इधर बनाए फिर ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसको अभी हमने लपाई करना है, ये सारी जगह बराबर की है। इसमें मिट्टी डालकर आप सब ज़रूर बताइएगा कि अब हमारा सारा किचन कैसा लग रहा है। और इधर का अब मैं कर रही थी पोचा, और ये भी नया डिज़ाइन बनाया दीवार के ऊपर। थोड़ा सा दीवार भी ऊँची होगी और डिज़ाइन भी प्यारा लग रहा है। अभी हो गया है जोर का टाइम, ताया अबू जी नमाज पढ़ रहे हैं और साथ में बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर आई हुई है फातिमा की अम्मी, उससे भी आप सबको अभी हम मिल। सैम अली क्या हुआ जी? अच्छा, सैम अली इधर खेल रहा था और उनका गेंद चला गया उधर छत पर, वो और अब्दुल रहमान उठाने गया। ये बड़ी आपी का बेटा है जो फातिमा की अम्मी से भी हमारी बड़ी आपी है ना, उनका वो भी आज आए हों, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में शादी है। हम तो नहीं जा रहे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो ये सब जा रहे हैं। अभी तैयारियाँ शारियाँ उन्होंने कर ली हैं, तो हमारे घर से होकर फिर उधर जाना है उन्होंने। माशाल्लाह से दोपहर का टाइम है, तो सबको भूख भी लगी है काम कर करके। अभी अम्मी जी बना रही हैं खाना, ये तंदूर पर रोटियां, और अंदर बनाया है सालन। सालन किस चीज का अम्मी जी बनाया है? वो तो गोश्त, आलू, आलू गोश्त का सालन बनाया है सिस्टर ने। अम्मी जी बना रही हैं तंदूर पर रोटियां, क्योंकि धूप निकली हुई है तो इस टाइम तंदूर की रोटियां सही लगती हैं। और खाला बना रही हैं अपना चूल्हा। चूल्हा कल हमने मुकम्मल तो कर लिया था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा खुश्क हो गया था, तो खाला ने ऊपर बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन बना दिया। अब ये मज़ीद प्यारा लग रहा है इधर सामने से भी।
चूल्हा तो मुकम्मल हो गया इते वेच मोड़ सकी ते पुराई के मिट्टी दी इस दी वजह तो मोड़ दोबारा ही सानू बनावनी पई है बन्नी नाल ही ला दित्ते नसी किंगरे। हां जी बड़े सोने लगदे पेने हो और जो पेंट है वो सामने से भी हो गया है आधा और आधा रह गया है। जितना बन गया उतना तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और बाकी अभी चाचू बना रहे हैं, जब सारा मुकम्मल बन जाएगा फिर मज़ीद खूबसूरत लगेगा। अभी ये एक कलर लगाया है, इस पर दूसरा कलर भी अभी लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इस किचन की दीवार को पेंट हो गया है। ये आगे वाली साइड पर आधा मैंने किया है और आधा चाचू ने किया है। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पीछे वाली साइड भी सारी हो गई है। ये चूल्हा अभी गीला है, इसको नहीं करना, जब ये खुश्क हो जाएगा पोचा लगा कर फिर इसको कलर करेंगे। बाकी तो सारा हो गया है और इधर वाली ये जो दीवारें हैं इनको पोचा हमने लगा दिया है। जब ये पोचा खुश्क हो जाएगा फिर दोबारा से इसको एक दफ़ा और पोचा लगाएंगे, फिर इसको कलर करेंगे जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और ये तंदूर और दूध उबालने वाला चूल्हा इनको भी पोचा लगा दिया है, जब ये खुश्क हो जाएंगे फिर इनको कलर करेंगे। और ये पीछे वाली दीवार भी बहुत प्यारी लग रही है, तो बिल्कुल खुश्क भी हो गई है और अच्छी लग रही है। और बाकी इधर सब खाना खा रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो भूख लग गई सबको, काम कार करके ना भूख लग गई सबको, अभी सारे बैठ कर खाना खा रहे रल के। हाँ जी रल जी। बाकी दूसरा भाई सदर चला गया जी बाहर, क्योंकि वो कोई किसी काम गया, इस वजह से असी भाई कल्ले कल्ले खाना खा रहे हैं। और साथ में एक और मेहमान आ गया नीचे, मुर्गी। मैं भी चलती हूँ अभी किचन में और खाना खाते हैं। खाला और अम्मी जी अंदर ही हैं, वो सबको खाना डाल के दिया पहले उन्होंने और अब वो खुद भी खा रही हैं। मैं भी चलती हूँ और खाना खाते हैं हाथ धोकर, मैंने अभी हाथ भी धोने। खाना खाने के बाद फिर से हमने अपना काम शुरू कर दिया है लपाई वाला, क्योंकि कलर हमारा सारा हो गया था। अब आगे से हमारा किचन देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन कुछ मैंने बनाए, कुछ चाचू ने बनाए, तो अब बिल्कुल सही हो गया है। और खाला अभी लपाई कर रही हैं। लपाई और थोड़ी रह गई है, लपाई हो चुकी है, क्योंकि सिला जानी ना ये अच्छी भी लपाई कर देने हैं। हाँ जी बिल्कुल, ताकि मजबूत हो जावन। हाँ जी फातिमा चीज खा रही है, फातिमा चली गई थी शादी पर अपनी अम्मी के साथ, हम तो गए नहीं लेकिन ये गई है आज। फातिमा की अम्मी भी आई थी ना आज। और इधर वाली सारी दीवारें भी हो गई हैं, पोचा जो है ना अभी सही तरह से खुश्क नहीं हुआ था लेकिन हमने ऊपर से कलर कर दिया, वो दोनों एक साथ ही खुश्क हो जाएंगे। और इधर भी कितना प्यारा डिज़ाइन बना है, ये हमने बनाया है आलू का डिज़ाइन, क्योंकि आप सब कहते हैं हम आलू फैमिली हैं, तो हमने आप सबकी रिक्वेस्ट पर ही ये डिज़ाइन बना लिया है। इधर आलू का ये ऊपर उसके सबज सबज पत्ते और नीचे ये आलू बनाए, बाकी ये सारा डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। और आज बादल भी आए हुए थे, हमने तो कहा था कि बारिश आएगी लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं आई। अब जो है ना सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो चुका है और बादल भी अपने घर को जा रहे हैं, बारिश जो है ना अभी ना ही आए। अल्लाह पाक से दुआएं, क्योंकि हमारे ये डिज़ाइन जो है ना ख़राब हो जाएंगे, अभी गीले भी हैं और वैसे भी बारिश से ये कलर और पोचा जो है ना उतर जाता है। आज हमारा काफ़ी सारा काम हो गया है और थोड़ा सा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। और अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है, आज हम अपने काम को इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। तो फिर आज की हमारी वीडियो भी यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।